आज खेला गया टाटा आईपीएल का 25वां मैच सनराइजर हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया और टॉस जीतकर सनराइजर्स ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। केकेआर को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित करा, जहां केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए 8 विकेट खोकर, तो वहीं सनराइजर हैदराबाद ने इस स्कोर को बड़ी आसानी से चेज कर लिया और 7 विकेट से यह मैच अपने नाम कर लिया। मतलब सनराइजर हैदराबाद की ओर से सिर्फ 3 विकेट गए और 176 रन उन्होंने बना लिया। अभिषेक शर्मा ने यहाँ पे 10 ओवर में 10 गेंदों में 3 रन बनाए। केन विलियमसन ने 16 गेंदों का सामना करा, 17 रन बनाए, इसमें 3 चौके शामिल थे। राहुल त्रिपाठी ने सबसे महत्वपूर्ण पारी खेली, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, 37 गेंदों में 71 रन की पारी खेली, इसमें 6 छक्के और 4 चौके शामिल थे। इनका विकेट रसेल ने चटकाया, रसेल ने आज बेहतरीन गेंदबाजी करी, लेकिन मैच को फिनिश करा एडम मार्करम ने, जिन्होंने 36 गेंदों में 68 रन की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। 188 का इनका स्ट्राइक रेट था। निकोलस पुरन ने 8 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाए और ये भी नॉट आउट रहे। तो आज मैच किस तरीके से सनराइजर हैदराबाद ने स्टार्ट आईपीएल में लगातार दूसरी जीत अपने नाम कर ली है। पहली जीत सीएसके के खिलाफ इन्हें मिली थी, दूसरी जीत अब मिली है केकेआर के खिलाफ। सनराइजर हैदराबाद ने लगातार 2 जीत के साथ अच्छी पोजीशन पे वो अब टेबल पे पहुंच चुकी है। 25वां मैच था आईपीएल का और केकेआर की ओर से पहले बल्लेबाजी करते हुए वेंकटेश अय्यर ने 13 गेंदों में 6 रन बनाए, इसमें 1 चौका शामिल था। फिंच ने 5 गेंदों का सामना करा, 7 रन बनाया, तो श्रेयस अय्यर ने 25 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। नारायण की बात करते हैं, नारायण भी आज पहले बल्लेबाजी करने उतरे, 2 गेंदों का सामना करा, 6 रन बनाए, इसमें 1 छक्का शामिल था। नीतीश राणा ने आज हाफ सेंचुरी मारी, 36 गेंदों में 54 रन की पारी नीतीश राणा ने खेले, इसमें 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे। जैक्सन भी आज बल्लेबाजी के लिए उतरे, 7 गेंदों में 7 रन बनाया। रसेल आज नॉट आउट रहते हैं, 25 गेंदों में 49 बनाते हैं, 4 छक्के और 4 चौके मारते हैं। पैट कमिंस 3 गेंदों में 3 रन और एमएन हकीम खान 3 गेंदों में 5 रन, उमेश यादव नॉट आउट रहते हैं और केकेआर की पूरी टीम 175 रन बनाती है 8 विकेट खोकर। सनराइजर्स की ओर से सबसे सफलतम गेंदबाज आरटी नटराजन रहते हैं, जिन्होंने 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट अपने नाम करे और 2 विकेट उमरान मलिक को मिले, जिन्होंने 4 ओवर में 27 रन दिए। भूबी मार्को यानीसन और जे सुचित को 1-1 विकेट मिले, जबकि सशांत सिंह को कोई विकेट नसीब नहीं हुआ। सनराइजर्स की ओर से सबसे ज्यादा रन राहुल त्रिपाठी ने बनाया, फिर एडम मार्कर ने बनाए और केकेआर की ओर से 2 सफलताएं आंद्रे रसेल को मिली हैं, पैट कमिंस को 1 मिला और यह टोटल सनराइजर हैदराबाद ने 17.5 ओवर्स में पूरा कर लिया। बड़ी आसानी से जीत सनराइजर हैदराबाद को नसीब हुई है। सनराइजर हैदराबाद लगातार मजबूती करते जा रही है, केकेआर की टीम लगातार एक और बार हार झेलनी पड़ी है। तो यह मैच सनराइजर हैदराबाद ने 100 विकेट से अपने नाम कर लिया।